अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, कैसी हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी समर कलेक्शन और साथ ही साथ ईद का ड्रेस जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक शर्ट है, लाइमलाइट से बाय की है। आप देख सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग, मैंने ऑर्गेन्जा का इस तरह कपड़ा गले पे लगवा के इसके साथ इस तरह दो दो करके गोल्डन और ब्लैक बटन्स लगा लिए हैं। इसके साथ इसकी बेल बॉटम बाजू हैं, के साथ बॉर्डर था वो हमने फ्रंट पे इसकी बाजुओं के आगे इस तरह लगवा लिया है। तो ये सिल्क की ओवरऑल एक खूबसूरत सी शर्ट तैयार हुई है, जिसको आप किसी भी अच्छे से ब्लैक ट्राउज़र के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत शर्ट है। ये एन अदर शर्ट है जो कि मैंने लाइमलाइट से ख़रीदी है। ये बहुत ही खूबसूरत सा मेहंदी कलर है, आप इसकी डिज़ाइनिंग चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। और इसके बाजू भी मैंने बिल्कुल बेल बॉटम टाइप रखवाए हैं। इसके ऊपर मैं सीक्वेंस कहीं कहीं लगा लूँगी। तो आप ये ओवरऑल देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत शर्ट जो है सिल्क के तैयार हुई। इसके साथ मैंने इस तरह का दुपट्टा जो है वो कलर करवाया है। ये आजकल बहुत फैशन में है, तो आप भी इनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी ये मेरे पास शर्ट है, बल्कि ये कम्प्लीट ड्रेस है जो कि मैंने खाड़ी से बाय किया था। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ग्रेप कलर है। इसका दुपट्टा भी काफ़ी खूबसूरत है, बिल्कुल सिंपल सा इसका गला बनाया मैंने। इसके बाजू भी जो हैं वो बेल बॉटम टाइप है, जिनके आगे इस तरह मैंने छोटी छोटी लेस जो है वो लगवा ली है। अलावा ये ड्रेस जो है बिल्कुल सिंपल है। इसके एंड पे मैंने एक ये इस तरह का पैच लगवाया है। ये एम्ब्रॉयडर्ड पैच जो है वो इसकी इस कॉर्नर पे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ जो है वो वाइट कलर का ट्राउज़र मैंने स्टिच करवाया है, और ये इसके साथ काफ़ी खूबसूरत सा रेड और मल्टी कलर में दुपट्टा है, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। इसके डिज़ाइन जो था ओवरऑल वो बहुत ही खूबसूरत था, काफ़ी पसंद आया, तो मैंने इसको बाय कर लिया। नेक्स्ट ड्रेस जो है ये है ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन है। ये ड्रेस भी खाड़ी से मैंने लिया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। इसका भी गला बिल्कुल सिंपल है, जबकि इसकी बाजू जो है वो बेल बॉटम टाइप है, और आगे ऑर्गेन्जा की इस तरह पर्स वाली लेस जो है मैंने लगवा ली थी। ये ड्रेस मुझे इसलिए भी पसंद आया क्योंकि इसके दो रीज़न है। एक तो इसका दुपट्टा जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, सेकंड जो है वो इसकी बैक साइड। इसकी बैक साइड जो है वो काफ़ी खूबसूरत थी, तो मैंने इस ड्रेस को बाय कर लिया। और जो इसका दुपट्टा था वो भी काफ़ी खूबसूरत था, उस पर इस तरह के मोगल प्रिंट टाई ट्रेडिशनल डिज़ाइन बना हुआ था, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत ड्रेस जो था वो लग रहा था। मैंने इसको फ़ौरन से बाय कर लिया। और एक ये ड्रेस है मेरे पास, ये मेरे पास चिकनकारी की शर्ट है जिसको मैंने अनरखा स्टाइल में बनवा लिया है। इसके साथ आप देख रहे हैं वी गला है, और ये इसका दुपट्टा मल्टी कलर में ऑर्गेन्जा का काफ़ी खूबसूरत है। और इसकी ये बाजू हैं, ये भी बेल बॉटम टाइप है, और उनके आगे ये बॉर्डर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आप ये देख सकते हैं ये ड्रेस की ओवरऑल लुक है। इसके साथ वाइट कलर का ही ट्राउज़र है और ये ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। ये एक और ड्रेस है मेरे पास, आई बॉट इट फ्रॉम साया, और ये भी काफ़ी खूबसूरत ड्रेस है। ये भी मैंने अनरखा स्टाइल में ही बनवाया था, इसकी इस बाजुओं पे और उसके साथ साथ इसके घेरे पे जो मैंने ये इस तरह की पाइपिंग करवा ली थी मैरून कलर की। इसका ट्राउज़र भी जो है वो मैरून कलर का है। उस ड्रेस की ख़ास बात ये है कि इसका दुपट्टा भी काफ़ी खूबसूरत था और इसकी ओवरऑल लुक भी खूबसूरत थी। तो आप देख सकते हैं इसका ट्राउज़र कुछ इस तरह से है। तो ये एक और ड्रेस है मेरे पास, ये मैंने लिया था जे डॉट से, और इसका गला काफ़ी खूबसूरत तरीके से मैंने बनवाया था। आप देख रहे हैं बैन है और आगे पट्टी है जिसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए हैं। ड्रेस जो है वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, मल्टी कलर है, और साथ में ऑर्गेन्जा का ये पैच था जिनको मैंने बाजुओं के फ्रंट पे लगवाया, और साथ इसके आगे मैंने पर्ल्स जो है वो हैंग करवा लिए थे। इसके साथ ही जो ये ड्रेस की ओवरऑल लुक है ना, वो इसको बहुत ही इन्हेंस कर रहे हैं। इसका दुपट्टा भी इस तरह मल्टी कलर्स में था, काफ़ी खूबसूरत था, जिसके मैंने साइडों पर इस तरह पर्ल्स वाली लेस लगवा ली है। ये एक और ड्रेस है मेरे पास, ये शर्ट जो है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर ऑर्गेन्जा की पट्टी और उसके ऊपर लेस लगवा ली। आजकल ये काफ़ी इन है, इसके भी बाजू बेल बॉटम है, और इस पर इस तरह चौड़ी सी मैंने ऑर्गेन्जा की पट्टी विद लेस लगवा ली है, जो इसको ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत लुक दे रही है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रही हैं कि ये मेरा ड्रेस जो है वो काफ़ी खूबसूरत था। जब आप इसको पहनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सी और आपको क्लासी लुक देता है। तो आप देख रही हैं, आई होप आपको मेरा ये ड्रेस पसंद आया होगा। इसके साथ ये ब्लैक कलर का ट्राउज़र है और साथ ही इसके ब्लैक कलर का सिंपल प्लेन दुपट्टा। नेक्स्ट ड्रेस जो है मेरे पास, ये भी मैंने जे डॉट से लिया था। ये काफ़ी खूबसूरत ब्लू और ऑफ वाइट कलर का ड्रेस था, और साथ में ये गले का पैच जो इसके ऊपर लगवाया है, और साथ में ये
सीढ़ी वाली लैस लगवा के इसको मैंने फ़्रॉक टाइप लुक दिया। इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने इसको इस तरह फ़्रॉक टाइप लुक दे दी, और ये पहना हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है। उसके साथ ये ट्राउज़र है जिस पर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली, ये साथ इसका दुपट्टा है। इस दुपट्टे पे मैंने ओवरऑल बेबी पीको करवा ली, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी लुक जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, आप इसको घर पे आराम से पहन सकती हैं। एक और ड्रेस है जी मेरे पास, ये भी मैंने ख़रीदा था खाड़ी से। इसके ऊपर मैंने इस तरह से गला बैंड वाला बनवा के ये सारे मिरर और पर्ल्स लगवा लिए हैं, जो इसको काफ़ी खूबसूरत बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसके एंड पे जो बॉर्डर था उसको मैंने सीढ़ी लेस के साथ, और इसकी बाजुओं पे भी इस तरह सीढ़ी लेस लगवा के इसके बॉर्डर को इसके साथ अटैच कर लिया है। ये इसकी शलवार है, मैंने शॉर्ट शर्ट रखी थी और साथ इसके शलवार बनाई थी। शॉर्ट शर्ट के साथ शलवार का कॉम्बिनेशन बेहद खूबसूरत लगता है, और साथ ही इसका ये दुपट्टा है, ये गोल्डन लाइन्स वाला है जिसको मैंने डाई करवा लिया था, काफ़ी खूबसूरत है। तो फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ईद ड्रेस, जो मेरा ईद उल अज़हा का ड्रेस है। ये मैंने ओरिएंट टेक्सटाइल से ख़रीदा है, ये आप देख रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता है जिसके साथ ये पेचिस थे, और ये बाजू इसकी मैंने उसके दरमियान में ये रख के इस तरह खूबसूरत सी इसकी डिज़ाइनिंग करवा ली है, और ये देखने में इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ मैंने क्या किया है, दुपट्टा जो है वो रेड कलर में है मेरे पास, वो भी काफ़ी खूबसूरत है। और साथ में इसके साथ मैंने सिलवाई है शलवार ब्लू कलर में, ये तो ये ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो है काफ़ी खूबसूरत। तो गर्ल्स ये थी मेरी समर कलेक्शन और साथ ही साथ मेरे ईद का ड्रेस। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक, अल्लाह।